हम समझना क्या चाहते हैं आज, ये समझिए इस वाले लेक्चर में, इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ अभी बताते हैं कुछ कल बताएंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा किस सेक्शन में, 39 में। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट भी समझा। तो होता क्या है, अगर कोई पक्षकार जो है उसने अपने वचन का पालन नहीं किया, पार्शली या होली, 39 में होली पूर्ण रूप से है प्रावधान, देखिएगा पूर्ण रूप से अगर उसको करने से मना कर दे या अपने आप को डिसेबल बना ले, ठीक। अगर ऐसी स्थिति में कुछ होता है जो भंग होगा तो उस भंग से जो इनोसेंट पार्टी है, इनोसेंट माने जिसकी कोई गलती नहीं है, जो चाहता है कि संविधा का पालन होता तो उसका कुछ फायदा होता, उस संविधा के पूरी होने से ऑब्जेक्ट उसके फुलफिल होते, तो जाहिर सी बात है व्यवसायिक ज्यादा गतिविधियां होती हैं, तो इनोसेंट पार्टी द पार्टी हु वाज ईगर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस अंडर दैट एग्रीमेंट, उसको तो लॉस होगा ना, लॉस होगा तो क्या होगा, उसको कुछ रेमेडी चाहिए, उपचार चाहिए। तो हम ये देखने वाले हैं कि लीगल रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पूछ ले आपसे, पूछ ले कि लीगल रेमेडीज कुछ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से या नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, तो जवाब देना पड़ेगा। अगर एक सेट वर्ड्स में आपके पास कुछ हेडिंग्स नहीं रहेंगी तो आपको बात करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए आज हम ये बताते हैं कि क्या क्या लीगल रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इनटू इनोसेंट पार्टी है, क्या उसके पास अधिकार होते। तो पहला क्या होता है, लिखते जाइए, लिखना है संविदा का विखंडन, संविदा का विखंडन, संविदा का विखंडन, ठीक है, हम दोनों लोग मिलकर संविदा को खत्म करते हैं। रेसिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का विखंडन, हेडिंग हेडिंग बात करेंगे डिटेल में, जब हम रिलेटेड सेक्शंस में जाएंगे तब बात करेंगे। तो ये कहां दिया गया है, तो कहीं ऐसा बहुत क्लियर कट नहीं दिया, लेकिन 62 में थोड़ी सी बात की गई है, 62, 64, 65, इससे सामने ये तीन मेंशन करिए, तो पूछता है तो बताइए हाँ इनमें कुछ कुछ प्रावधान है इससे रिलेटेड, हम देख सकते हैं। पहला सॉरी 62, 64, 75 में है, ये 65 नहीं है 75। दूसरा विखंडन माने खत्म कर दिया, रेसोल्यूशन जो लिखा है। दूसरा क्या है, क्षतिपूर्ति, भाई नुकसान होगा ना तो उसके लिए आप सूट फाइल करेंगे, क्षतिपूर्ति या हानि के लिए क्या करेंगे, दावा करेंगे ना, सूट फाइल करेंगे ना, क्या होगा, सूट फॉर डैमेजेस, ये कहां दिया गया है, ये जो सूट फाइल करने की बात है 73 से 75 में देखा जाएगा। अब ये सब बच्चे हैं बताने, इसलिए हम आपको यहां अब दे देंगे। दो बातें आप यहीं पे ध्यान रखिएगा, डैमेजेस और डैमेज, ये दो बातें होती हैं जब हम इधर बात करते हैं अपने लीगल टर्म में, तो इसका और इसका दोनों का ये जो डैमेज है इसका ये प्लूरल लग रहा है ना, डैमेजेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक हानि हुई और ढेर सारी, एक हानि हुई और ढेर सारी हानियां होगी, नहीं ध्यान रखिएगा, डैमेज माने तो जो नुकसान हुआ, इस बात में ही क्लियर करिएगा, डैमेज माने तो नुकसान हुआ,
डैमेजेस माने जो इसके लिए कंपनसेशन मिल रहा है, प्रतिकर मिल रहा है, प्रतिकर माने के लिए दावा करेंगे तो ये जो डैमेजेस माने प्रतिकर, सूट और डैमेजेस प्रतिकर के लिए, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि उसको आप कुछ और ही समझते हैं। तीसरा जो है मुद्दा, अधिकारोचित प्रतिकर हेतु दावा, लिखते रहिएगा अधिकारोचित प्रतिकर हेतु दावा। इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में? इसको कहेंगे सूट फॉर क्वांटम मेरिट। ठीक है, ये आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा 64, 65, 70 में। अधिकारोचित प्रतिकर हेतु दावा क्वांटम मेरिट की बात होती है, ये आएगा वहां पे हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज क्वांटम मेरिट? चौथा क्या है? विनिर्दिष्ट पालन हेतु दावा, विनिर्दिष्ट पालन हेतु दावा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक मतलब कोई दावे में कोई 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 संविदा थी उसका ब्रीच होता है तो पार्टी कहती नहीं हमें इस तरह का ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस चाहिए इनसे, उसके लिए वो सूट फाइल। ठीक है, पांचवा होता है व्यादेश हेतु, भाई दावा ही करेंगे सब जगह, सूट फॉर इंजंक्शन, याद रखेंगे सारे का। अंतिम आता है संविदा के परिशोधन, परिशोधन माने रेक्टिफिकेशन, उसमें कुछ संशोधन की जरूरत, परिशोधन या रद्दकरण हेतु दावा, या रद्द करण ए दावा फॉर रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन और कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा को रेक्टिफाई करो या कैंसिल करो, इसके लिए अगर हम कोई सूट फाइल कर रहे हैं तो ये हुआ। ठीक है, अब एक और दो, यहां पे वन और टू ध्यान रखिएगा, ये आपके कहां से रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, विखंडन, क्षतिपूर्ति, क्लियर कट थोड़ा उसमें चले जाएंगे। फिर क्या होता है तीसरा? क्या है? तीन चार पांच छ, ये जो है मतलब लॉ ऑफ इक्विटी कह सकते हैं, साम्य, इक्विटी इंटरेस्ट, ये सब पढ़ेंगे आप लोग, लॉ ऑफ इक्विटी कह सकते हैं, इससे रिलेटेड है तीन चार पांच छ। और जिसपे तीन जो है, तीन की बात एक जगह कर दी गई है, कहां? क्वासी या कुसाई, जो भी आप कहते हो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, तीन वाला। तो ये बात को आप जरा ध्यान रखेंगे, तो जब हम अगली चर्चा इनकी डिटेल पे करेंगे, डिटेल इनमें तो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जब हम कल डैमेजेस और ब्रीच की बात करेंगे तो वहां पे इनका थोड़ा सा आपको रेफरेंस रहना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी।
तो हमने ये देखा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा भंग होने पे इनोसेंट पार्टी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार वो अपने यूज कर सकता है, संविदा का विखंडन, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, सूट फॉर रेक्टिफिकेशन और कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए यहां पे आज इसको खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है।